जम्मू कश्मीर के कुछ सरकारी स्कूलों की हालत बेहद ज्यादा जर्जर हो चुकी है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कोटरंका जोन के अंतर्गत आते गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डंडोट में। यहाँ बच्चे रोजाना की तरह क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन क्लासरूम की खिड़की अचानक टूटती है। वो खिड़की बच्चों के सर पर आकर गिरती है, जिसकी चपेट में आने से 5 बच्चे घायल हो जाते हैं। बच्चों के अभिभावकों में बेहद ज़्यादा रोष है, क्योंकि बच्चों के माँ बाप का कहना है उन्होंने पहले ही स्कूल प्रशासन को अवगत करवाया था जिस सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्डिंग अनसेफ है, यानी असुरक्षित है। इससे पहले हमने देखा था कि कठुआ की रहने वाली सीरत नाज, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती थी, उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने अपने स्कूल की जर्जर हालत को बताया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि मोदी जी उनके स्कूल को अच्छा बना दीजिए, क्योंकि उन्हें ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ता है। एक बार वही तस्वीर सरकारी स्कूल में देखने को मिली है, जिस स्कूल की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता थी कि अचानक स्कूल की जो खिड़की है वो गिरती है बच्चों के सर के ऊपर आकर। इसकी चपेट में आने से 5 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। ये थोड़ा सा तूफान आता है, हवा चलती है, तो ये हालत है। अंदाज़ा लगाइए कि अगर भूकंप आएगा तो क्या होगा, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।